हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम नादिन, आप सबका इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। आइए डालते हैं आज की बड़ी ही अफसोसनाक खबर पर। स्टार न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने बारिश से मुतासर आरामगढ़ गगन पहाड़ का दौरा किया, जहां पर आवाम बहुत परेशान है और बहुत ही मुश्किल में। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ ने जब मुकामी आवाम से वहाँ की हालात के बारे में सवाल किया तो आवाम का कहना है कि गगन पहाड़ में बारिश के दौरान 6 फीट तक पानी बह रहा था और उसमें तकरीबन गाड़ियां बह गई। और गगन पहाड़ में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक ही घर के 4 अफराद बह गए, जिसमें 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। अभी एक अयान नामी शख्स लापता है। आवाम का बारिश से बहुत ही बुरा हाल है और मुकामी आवाम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक मुकामी MLA ने वहाँ पर उन मुकाम का दौरा नहीं किया। आवाम खाने खाने को परेशान है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल रऊफ की ये खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज एक्सप्रेस, हैदराबाद। स्टार न्यूज एक्सप्रेस के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ फिलहाल मौजूद है हम आरामगढ़ गगन पहाड़ के पास। क्या के यहाँ पर देख सकते हैं कई गाड़ियां डूब के जैसे समंदर में के जैसा रहर पे जो भाई के आ गए कि कई गाड़ियों की जान पहचान देखना मुश्किल होगा। देख सकते हैं आप यहाँ का नजारा। आप कई गाड़ियां हैं, गाड़ियां तो जिसे आए उसके हमने कवर करे और आगे भी जा नहीं सकते। कई पानी पहाड़ों के बीच में जाना नामुनासिब है। कई लोग यहाँ पर जाके देख सक रहे हैं यहाँ पर कि कई गाड़ियां कई लारियां यहाँ तो भय के चले गए। यहाँ पर न्यूज एक्सप्रेस के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ फिलहाल मौजूद है आरामगढ़ गगन पहाड़ के पास। कि 4 जनों जो 3 जो डेड बॉडी हैं जो भय के चले गए, 3 जनों की और 1 जनों की जो तो अभी तक लापता है। कि इनके भाई यहाँ पर बात है, इनसे बात करेंगे मोहम्मद भाई। यहाँ पर बात दो मिले थे। पुलिस वाले ने ढूंढे, फोन में ढूंढे, हम लोग पूरे भाई चार भाई थे। दो भाई घर में थे, हम बाहर थे, फोन करे हम लोग ऐसा पानी नहीं आ रहा था। हमारा रात में इधर आ गए, पूरा पानी पानी है। तो सुबह से हम पुलिस वालों को बोले, दो पुलिस वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो मुकामी जो भाई है उनसे भी बात कराए कि पड़ोसी से भी बात कराए कि पुलिस वालों को ज्यादा कोई रिक्वेस्ट करे। कहते हैं लोग कि भाई के अंदर ढूंढना पड़े तो इन लोगों को कोई पुलिस की कोई मदद नहीं मिली। कहते हैं आप देखते रहिए स्टार न्यूज एक्सप्रेस के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ। एकर का जो तालाब है अभी से नहीं है, वो नवाब के टाइम से है। उसमें क्या है उसके बाजू आजू बाजू जो प्राइवेट वेंचरा करके और जो प्राइवेट का जो कंपनियां बन के जो प्राइवेट आदमी है जो सबका डूब गया बोल के रातों रात आके कुछ करके कट्टा को खोद दिए थे। पूरा गगन पहाड़ में रोड पे जो नेशनल हाईवे पे जाने वाले का सब कम से कम 20 कार 24 कार वैसा ही पूरा छोड़ दे के ऐसा बाकी सोए। उसमें कम से कम 18-20 आदमी घूम गए सोए। 4 आदमी हमारा गगनपाड़ वाले जो हमारा नजदीक रहे थे उन लोग 4 आदमी जैसा सो गया वैसे 4 आदमी मर गया। उसमें 3 आदमी बचे जो मिले सोए और 1 आदमी अभी तक अभी ढूंढ रहे उसको नहीं मिले सोए। और हमारा गगनपाड़ में माजी MP
जो तुलसीराम का बेटे छोटा बेटे विजय कुमार है उन्होंने भी बाल बाल बच गए हुए कम से कम उतना दूर जाके उन्होंने झाड़ को पकड़ के तो उसका ड्राइवर है उन लोग जाके पूरा रोड पे जाने वाले बचाए हुए उसको भी शुक्रिया आदत करता हूँ। और ये गवर्नमेंट जो भी है हमारा गवर्नमेंट हो इमीडिएटली ये जो एफकेएल जितना है उतना वो तालाब का वो पूरा पैक करके एफकेएल बना के छोड़ दिए तो अच्छा रहता, नहीं तो हमारा गगनपाड़ भी अच्छा हुआ ये रोड पे ब्रिज हुआ, नहीं तो गगनपाड़ भी पूरा डूब जाता था। वो डूब नहीं डूबना कल के दिन ऐसा नहीं होना बोल के जो भी ये काम करे तो उसको कम से कंपल्सरी उसको केसा बुक करके अंदर डाल के ये जो पनिशमेंट जो करना है उसको पनिशमेंट देना है बोल के हम हमारा गवर्नमेंट से ये कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।